अंदर ले गए एम्बुलेंस अंदर। नहीं, वो बोले होंगे कि जैसे ये लोग वीडियो बना रहे हैं, मन निकालो, अंदर ही ले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राई। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान के दुनिया छोड़ जाने से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। 71 साल की उम्र में सरोज खान सबको अलविदा कह गई। सरोज खान ने शुक्रवार को मुंबई के हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली थी। वे 20 जून को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। सरोज खान को शुक्रवार सुबह मलाड के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सरोज खान को आखिरी विदाई देने के लिए उनके परिवार वाले और कुछ रिश्तेदार ही मौजूद थे। मुंबई शहर में कोरोना वायरस के कहर के चलते सरोज खान को सुबह सुबह ही बिना देर किए सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पुलिस ने सरोज खान की फैमिली को आदेश दिया था कि अंतिम विदाई में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। सरोज खान के परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि सरोज खान डायबिटिक थी। सरोज खान के निधन के बाद से फिल्म और टीवी जगत के सितारे काफी गमगीन हैं। सरोज खान की तबीयत बीती रात काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल के सूत्रों का कहना है कि सरोज खान के निधन का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं था। सरोज खान का कोरोना टेस्ट भी हुआ था, जो कि नेगेटिव पाया गया था। अंदर ले गए एम्बुलेंस अंदर। नहीं, वो बोले होंगे कि जैसे ये लोग वीडियो बना रहे हैं, मन निकालो, अंदर ही ले जाएंगे।